पापा, आप लक्की को कहाँ ले जा रहे हो? आज लक्की को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। लक्की को डॉक्टर के पास? पर लक्की तो डॉग है। हाँ अर्जुन, जैसे हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वैसे हमें अपने पालतू या घरेलू जानवरों का भी ध्यान रखना होता है, चाहे वो कोई भी पशु हो। हाँ अर्जुन, लोग अलग अलग तरह के पशु पक्षी को पालते हैं, घर में रखते हैं। अब बताओ तो ऐसे कौन कौन से पशु हैं? खरगोश, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, बकरी, तोते। जब हम पशुओं को पालते हैं, मतलब ये हमारे साथ रहते हैं, तो हमें इनका भी ध्यान रखना होता है। अगर ये बीमार होंगे तो हमें भी बीमारी का खतरा होगा। जानवर जैसे हमारा लकी बाहर जाता है गंदे पानी में, कचरे में, तो जब हम उन्हें छुएंगे या वो अपना शरीर हमसे रगड़ेंगे तो उनके शरीर के कीटाणु हम पर आ जाएंगे। इसलिए उन्हें नहलाना और साफ रखना जरूरी है। जानवरों की जगह को भी साफ रखना जरूरी है, वरना बदबू फैलेगी, कीटाणु फैलेंगे। देखो लकी की जगह साफ है। पापा, क्या डॉक्टर लकी को इंजेक्शन लगाते हैं? समय समय पर पशुओं को भी रेबीज जैसी बीमारी से बचाने के टीके लगते हैं। आवारा जानवर या पालतू पशु जिन्हें रेबीज का टीका नहीं दिया गया है, अगर हमें खरोंच लें या काट लें तो हमें रेबीज बीमारी हो सकती है। पर लक्की का तो हम बहुत ध्यान रखते हैं। शाबाश अर्जुन, रखना भी चाहिए अर्जुन। जानवर भी हमारी तरह जीव हैं और हमें उनसे कोमलता का व्यवहार रखना चाहिए। वो भी भावनाएं समझते हैं। अगर अपने जानवरों से करते हो प्यार, साफ सफाई, भोजन पानी से रखो उनका ख्याल।